बर्फीले इलाकों का ऊंट कहे जाने वाले याक की संख्या अब एक बार फिर से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ने लगी है। एक समय ऐसा था जब याक विलुप्त होने की कगार पर थे। पशुपालन विभाग ने याक के संरक्षण की कार्ययोजना भी तैयार की है, जिससे आने वाले समय में इनकी संख्या में और तेजी देखने को मिलेगी। याक चमोली जिले की नीति घाटी के द्रोणागिरी बुग्यालों में पाए जाते हैं, जो अब शीतकाल में निचले इलाकों में आने लगे हैं। आजकल सूखी के जंगलों में याक को विचरण करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि याक तिब्बत व्यापार का मुख्य मालवाहक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बर्फीले तूफान व हिम ग्लेशियरों की चपेट में आने से इनकी संख्या कम हो गई। जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शरद भंडारी ने बताया कि अभी जिले में 11 याक हैं, जिनमें 7 मेल और 4 फीमेल याक हैं। सिक्किम भूटान की तरह चमोली जिले के द्रोणागिरी के बुग्यालों में याक का परिक्षेत्र बनाया गया है। पशुपालन विभाग याक के संरक्षण की योजना पर भी कार्य कर रहा है। अभी स्थानीय स्तर पे इसके कुछ अंशदान पे डिमांड भी आई है, तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना इनको एक प्रॉपर इनको रखने के इनके रहन सहन इनको रहने खान पान के लिए बाड़ा सुसज्जित बाड़ा बनाया जाए, जिसमें ये रह सकें और इनकी अच्छी ब्रीडिंग हो सके।